सभी को दिवाली की राम राम। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली आप सबके जीवन में समृद्धि लेकर आए, खुशहाली लेकर आए, तरक्की लेकर आए। आपके प्रयासों से समाज के अभाव वंचित लोगों के जीवन में भी उजाला हो, इसके लिए हम सब दिवाली पर सामूहिक संकल्प लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हर त्योहार हर पर्व का अपना महत्व है और इसीलिए हर त्योहार हर पर्व हमें नई प्रेरणा देते हैं, नए संकल्प करने की दिशा देते हैं और हमारी सद्भावना और हमारे विश्वास भरोसे को और मजबूत करते हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना वैश्विक महामारी के कारण आप और हम सामूहिक रूप से मिल पाए थे। बहुत तीव्र उत्सुकता थी आपसे मिलने की। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के समय भी मैंने कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारे विधायक महोदय और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, आप आएंगे फिर कार्यकर्ता जुटेंगे और हम फिर से कहीं कोरोना के संकट में ना हो जाएं। उनकी सलाह और सुझाव उस समय की परिस्थितियों के लिए बिल्कुल अनुकूल थे और इसलिए उस समय आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं लगातार आपके संपर्क में था और उस वैश्विक महामारी में माननीय विधायक महोदय हो, जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, संस्थाएं हो, सबने जिस तरीके से सामूहिक प्रयासों से काम किया, सबने मिलकर उस कोरोना चुनौती का मुकाबला किया, उन सब सामूहिक प्रयासों के कारण हम काफी हद तक कोरोना संकट को रोक पाए। देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी इसके लिए एक व्यापक प्रयास किया और पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर अपने आप में पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि कोरोना के कुछ समय बीच में जब संसदीय अध्यक्षों के सम्मेलन हुए, क्योंकि कई सालों से लगातार 2 साल से प्रत्यक्ष रूप से संसदीय सम्मेलन नहीं हो रहे थे, उसके कारण हम वर्चुअल बैठक कर रहे थे। प्रत्यक्ष रूप से अभी मुझे वियना जाने का मौका मिला, उसके बाद इटली जाने का मौका मिला। जब मैं वियना के स्पीकर से चर्चा कर रहा था तो मैंने पूछा इस देश की आबादी कितनी है,
उन्होंने कहा 90 लाख, और 9 मिलियन बोलते हैं 90 लाख। मैंने कहा हमारे यहां पर एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन होती है, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। मैं इटली के स्पीकर से मिला, मैंने कहा आपकी आबादी कितनी है, उन्होंने कहा 6 करोड़। हमने कहा हमारे यहां 2 दिन में 6 करोड़ वैक्सीनेशन होती है। इस भारत की ताकत और शक्ति इतनी है कि इतनी भौगोलिक स्थितियां अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, खान पान अलग अलग, तापमान अलग अलग, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अपने आप में विश्व के कई देशों के लिए आश्चर्यचकित है। और हमने दल से ऊपर उठकर सब लोगों ने इसके लिए सहयोग किया, और इस सामूहिकता के कारण ही हम कोरोना संकट को काफी हद तक रोकने में सफल हुए। कई अलग अलग विश्लेषण हैं, अलग अलग चर्चा हैं, विश्व के कई देशों में वापस कोरोना की कुछ रफ्तार बढ़ी है, लेकिन हमने कोरोना की इस रफ्तार को रोकने में कामयाब हुए हैं। और मुझे आशा है भगवान की कृपा होगी कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे बीच में नहीं आएगी। हम सावधानी भी बरतेंगे और सतर्कता भी बरतेंगे ताकि कोई भी संकट आए, कोई भी आपदा आए, उसको सामूहिकता के साथ रोक पाए। उस कोरोना संकट के समय हमारे आर्थिक और सामाजिक ढांचे के अंदर भी बहुत बदलाव आए। हमारे रोजमर्रा में काम करने वाला मजदूर गरीब व्यक्ति, उसके पास रोजगार नहीं था, 2 टाइम का भोजन नहीं था, छोटे दुकानदारों के पास काम नहीं था, लेकिन उस संकट के समय भी सामूहिकता के साथ हमने हर अभाव में रहने वाले व्यक्तियों की मदद की। और इतने बड़े देश के अंदर अधिकतम जगह पर अभावों को जहां भी जिसने देखा, वहां सब प्रेरणा से जो भी उसकी क्षमता हो सकती थी उस क्षमता से ज्यादा उसने सेवा का काम किया। नहीं तो इतने बड़े देश के अंदर, इतनी बड़ी आबादी के अंदर अगर देश की जनता का सामूहिक सहयोग नहीं होता तो हम मुकाबला नहीं कर पाते। और यही हमारी शक्ति है कि कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट आए, देश के किसी भी हिस्से में आए, हम सामूहिकता के साथ उस आपदा और संकट का मुकाबला करते। यही हमारे संस्कार हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भी आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया था, लेकिन सब में ज्यादा अगर कोई जिसने हम सबको पाला परोसा और जिसने सबसे ज्यादा संरक्षण दिया तो हमारे धरती पुत्र किसान है। मुझे याद है दूसरी लहर के अंदर, पहली लहर के अंदर जब नौजवान के पास रोजगार नहीं था तो वो शहर में काम करता था, तो वो पलायन करके सीधा अपने गांव में गया और 2 टाइम की रोटी का इंतजाम उसका गांव में हुआ, उसके किसान ने किया। हमारा किसान इतना सशक्त और मजबूत था कि उस आपदा के संकट के समय भी
जब सारा आर्थिक ढांचा चरमरा गया था, उस समय हमारे किसान भाइयों ने हमारे आर्थिक ढांचे को बचाए रखा। यह हमारे लिए एक सबक है कि कोई भी संकट, कोई भी आपदा आएगी तो उस आपदा और संकट के अंदर हमारे किसान भाई हैं जो हमारी मदद कर पाएंगे, क्योंकि किसान की आमदनी ठीक होगी तो बाजार ठीक चलेगा, बाजार ठीक चलेंगे तो व्यापारी दो टाइम का इंतजाम कर पाएंगे, इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, किसान को आर्थिक रूप से सशक्त करें, मजबूत करें। और इसलिए इस इलाके के अंदर जब मैं देखता हूं, इस इलाके के किसान बहुत मेहनत किसान हैं। पानी का अभाव होने के बाद भी अपनी मेहनत और कुशलता के कारण देश और दुनिया के अंदर रामगंज मंडी की महक सारी दुनिया में आज भी है। मैं पिछले दिनों जब दुबई के कुछ हवाई अड्डे पे कुछ रुका था तो मुझे एक व्यापारी मिला, वह मिडल ईस्ट के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर मसाला सप्लाई का काम करता था। तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, हमारा कोटा से बड़ा नजदीक का संबंध है, मैं मसाला एक्सपोर्ट करने का काम करता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि मैं राजकोट कई देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर गया हूं, जैसी रामगंज मंडी के धनिये की चमक खुशबू है वैसे देश के किसी हिस्से के अंदर नहीं। वो बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने उसी समय फिर कुछ किसान विशेषज्ञ और तकनीकी को बुलाया, मैंने कहा इस रामगंज मंडी इलाके की महक हमेशा देश और विश्व में चमकती रहे, इसके लिए क्या प्रयास हो सकता। और मुझे आशा है कि अगली बार जब आऊंगा मैं तो वहां सारे वैज्ञानिकों के साथ आऊंगा, देश के जितने भी धनिया के विशेषज्ञ उनके साथ आऊंगा और किस तरीके से रामगंज मंडी के किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं इसके लिए चर्चा और संवाद करने के लिए आऊंगा। और जो मेरी चर्चा हुई, मुझे विश्वास भरोसा है कि हम इस रामगंज मंडी इलाके के किसान की आमदनी को भी बढ़ा पाएंगे और जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के नए बाजार भी तैयार कर पाएंगे। यहां पर मसाला पार्क बहुत पुराना है, मैंने मसाला पार्क के अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा आप एक साल की कार्य योजना बना, जो एक साल में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके प्लॉट रखें और जो एक साल में नहीं लगाना चाहते उनके इंडस्ट्री के प्लॉट कैंसिल कर दें, क्योंकि बहुत सालों से मैं देख रहा हूं कि एक दो प्लांट ही यहां पर चल रहे हैं। मुझे आशा है एक का दो समय लगेगा लेकिन इस दो साल के अंदर इस मसाला पार्क के सारे इंडस्ट्री जो भी इन्होंने लिया है वो सारे के सारे चालू करेंगे ताकि यहां के प्रोडक्ट की रेट ठीक किसानों को मिल सके और जो भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं उन सारे विकल्पों को आपके साथ बैठकर चर्चा करें, क्योंकि विशेषज्ञ बंद कमरे में बैठकर अलग बात बताते हैं, जमीन धरातल की अलग बात होती है। वो जब बताते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे किसान की आमदनी एकदम चार गुना हो जाएगी,
लेकिन वास्तविकता में उसको करने में बहुत परेशानी है। हम प्रयास करेंगे, उनके अनुभवों का, उनकी विशेषज्ञों का लाभ लें, और जो जमीन पे काम करने वाला किसान है, जो बरसों से खेती कर रहा है, उन दोनों के अनुभवों को साझा करें और उसके आधार पर यहां के किसान की आमदनी को बढ़ा सकें। यह दूसरा काम कोटा स्टोन है। कोटा स्टोन का व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यह भी बहुत चिंता का विषय, क्योंकि कोटा स्टोन से अब टाइल्स की ओर लोग जा रहे हैं। टाइल्स इतनी जल्दी लग जाते हैं, कोटा स्टोन टाइम लगता है, इससे कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज भी पनपी रहे। इसके लिए भी मैंने कई लोगों से चर्चा की है। मैंने पिछली बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कहा कि एक ऑर्डर निकाल दो कि रेलवे के अंदर पहले कोटा स्टोन ही लगता था, अब मैं कई जगह देखता हूं कि कोटा स्टोन की जगह एक नया पत्थर विकल्प के रूप में आप लगा रहे हैं, इसलिए कोटा स्टोन ही लगे, क्योंकि कोटा स्टोन की चमक जितनी बार आप चलोगे उतनी चमक निकलेगी, ऐसा पत्थर कहीं नहीं। इसलिए कोटा स्टोन के व्यापार को भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाने का विचार है। मुझे लगता है कि प्रयास करने से निश्चित कुछ परिणाम निकलेंगे। कुछ क्षेत्र की समस्याओं के बारे में वक्ताओं ने बताया, हमारे विधायक महोदय लगातार क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के प्लेटफार्म पर एक दमंग आवाज में दमंग तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आपके जनप्रतिनिधि के नाते जो बातें आपसे समझते हैं, जो आपके अभाव समझते हैं, लोकतंत्र के अंदर विधानसभा उसके लिए उचित प्लेटफार्म होता है, उस विधानसभा के प्लेटफार्म पर अपनी बात रखते हैं। सरकार राजनीतिक आधार पर, कभी भेदभाव के आधार पर विकास के पक्षपात के दृष्टिकोण को अपनाती, ये सरकारों के लिए उचित नहीं होता। सरकार किसी भी दल की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जब वो सरकार बन जाती है तो सामूहिक जनता की होती है और सबको सामूहिक कल्याण उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनका दायित्व होता है। राजनीति के आधार पर कभी भी किसी सरकार को देखना नहीं चाहिए, और इसीलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। यहां की जनता ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है। कुछ मूलभूत बातें ट्रेनों की बताई आप, रोड कनेक्टिविटी बाई, मैं कह सकता हूं कि रामगंडी का सारा क्षेत्र रोड कनेक्टिविटी के मामले के अंदर सबसे बेहतरीन इलाका हो, जो कुछ बची हुआ हिस्सा है उसका और कनेक्टिविटी रोड करेंगे। हमारी रोड कनेक्टिविटी बेटर है, हमारी ट्रेन कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया है। कुछ ट्रेनें हैं जो कोरोना के समय उनका ठहराव था, कुछ रोक दिया था। कुछ ट्रेनें ऐसी है जिनके ठहराव होना है, उसके बारे में भी रामगंज मंडी के लोग चर्चा करते रहते हैं। आप निश्चित रहिए, जो विषय आपके मेरी नॉलेज में डालते हैं, मेरे ध्यान में डालते हैं, चाहे मेमो ट्रेन हो, चाहे नए ट्रेन का ठहराव हो, चाहे पुराने ठहराव हो, जब समय कुछ चीजों में लग सकता है, क्योंकि मैं जिस जगह जिम्मेदार बैठा हूं, किसी जनप्रतिनिधि को यह नहीं लगना चाहिए कि स्पीकर साहब ने राजनीति के आधार पर अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास के काम करा लिए। मेरे लिए पूरा देश एक साथ है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस क्षेत्र की जनता की भी है, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है, मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, और विशेष रूप से संसद में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर भेजा है, इसलिए मेरी दोहरी जिम्मेदारी है। आप कहें ना कहें, मेरे मन विचार क्रम में
हमेशा रामगंज मंडी और रामगंज मंडी का कार्यकर्ता प्रथम रहता है। मेरी कोशिश है कि जिन बातों को आप कहते हैं वो सब बातें जो आपने कही है, समय कुछ लग सकता है लेकिन सबका एग्जीक्यूशन होगा, चाहे मेमो ट्रेन हो। अब मुझे एक साथी मिला कि आपने कहा था मेमो ट्रेन कब चालू करेंगे, अब कई बातें होती है जो कहने की नहीं थी। मैंने कहा आपकी मेमो ट्रेन 2 महीने से खड़ी है, क्योंकि 4 मेमो ट्रेन से काम नहीं चलेगा, जब तक 8 मेमो ट्रेन नहीं होगी। तो मैंने रेल मंत्री जी को कहा है कि आप कार्यक्रम बनाओ, 4 मैं लाया हूं, 4 आप लेकर आओ और 8 ट्रेनें शुरू करो, ताकि एक बेहतर कनेक्टिविटी इस इलाके की हो जाए, क्योंकि डेली अप डाउन करने वाले भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर व्यापारी हैं, कई सरकारी कर्मचारी हैं और लोग हैं, मुझे उनकी भी चिंता है। आने वाले समय के अंदर रामगंज मंडी का रेलवे स्टेशन भी आपका सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। जब अगला स्टेशन उतरोगे तो डकनिया भी आपको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मिलेगा, फिर उसके बाद उतरोगे तो कोटा का रेलवे स्टेशन भी होगा। और जितनी ट्रेनों पे मैं पिछली बार आया था, उन सारे ट्रेनों के छोटे छोटे स्टेशनों पर, चाहे मोडक हो चाहे राउटा हो, सब स्टेशनों को के वर्क ऑर्डर दे चुके हैं और उनका 1-1.5 साल के अंदर जो जो आपने कहे उन सबके परिणाम मिले। हम आपके बीच में किस लिए आते हैं? हम आपके बीच में इसलिए आते हैं कि आपकी बात सुने, आपके माध्यम से लोगों के अभावों को सुने और किस तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं उसका रास्ता निकालें। मुझे याद है यहां पर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि अगले 2024 तक इस सारे क्षेत्र के अंदर ये लक्ष्य बनाकर कि पेयजल की समस्या समाधान हो जाए, हर घर में व्यक्ति को पीने का पानी मिले, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, हॉस्पिटल सरकार बनाएगी, जितने सरकार बनाएगी, सरकार नहीं बनाएंगे जन सहयोग से बनाएंगे, लेकिन आप निश्चित रहे कि चिकित्सा शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, पीने का पानी हमारी प्राथमिकता है, रोड कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों के रोजगार की, लोगों की आमदनी बढ़ाने की। क्योंकि जब तक लोगों की हम आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक रोजगार के नए सृजन नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी चुनौती और आपदा से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आप निश्चित मानिए, जो बातें आप कहते हैं, बार बार इलाके में आने का एक ही उद्देश्य रहता है कि आपकी बातों को सुने, और सुनकर चाहे दिल्ली में बैठे चाहे कहीं भी बैठे, कैसे उनका कामों को एग्जीक्यूट हो सकता है। ये बात सही है कि लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरा आपके बीच में बहुत ज्यादा आना नहीं होता। मेरी पूरी कोशिश भी रहती है कि जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मुझे संसदीय कार्यों से कुछ समय भी बीच में मिलता है, मैं सीधा कोटा आता हूं। हमारे दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं कि बिरला जी संसद के बाद सीधे कोटा नजर आते हैं। अभी मैं 1 तारीख से 8 तारीख तक कोटा में था, तो एक सीनियर व्यक्ति का टेलीफोन आया कि कब आएंगे। मैंने कहा 10 तारीख को। कि कितने दिन? 9 दिन रुकेंगे। हाँ, मैंने कहा कुछ बहुत दिन हो गए लोगों से मिला हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको जिम्मेदारी हमने देश की दी है। मैंने कहा देश की तो दी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे इलाके की भी है, और इसलिए इस जिम्मेदारी को आपको बांटना पड़ेगा। आप सबको सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जनता की संवेदना से बात सुने और कैसे उनके अभाव को दूर कर सकते हैं। इसके लिए जब तक हम सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, सामूहिक चिंता नहीं करेंगे,
हम उनके अभाव को दूर नहीं कर। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आपके पास आता है तो ये मानकर चलो कि वह आपसे कुछ अपेक्षाओं से आ रहा है, और कार्यकर्ता ये सोच ले कि मुझे इसका काम कैसे भी कराना है, असंभव है तो भी प्रयास करना है। ये निरंतर प्रयास करने की हमारी हमेशा से प्रयास करने की आदत में होना चाहिए। कई बार एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, निरंतर प्रयास कर दो, एक न एक दिन परिणाम आएगा। और यही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वह कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे, संवेदना के साथ आए। उसके पास अगर कोई आता है, किसी भी संकट में आता है, देश के किसी भी हिस्से में आता है, तो कैसे हम उसके संकट को दूर कर सकते हैं। अब संकट में थोड़ी प्रायोरिटी रखना चाहिए। ट्रांसफर कोई संकट नहीं है कि इसका यहां से यहां ट्रांसफर करा दो, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्राथमिकता उसके जीवन बचाने की है, प्राथमिकता उसके रोजगार की है, प्राथमिकता उसके अन्य जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है, वह प्राथमिकता है। अब कई बार कार्यकर्ता से मैंने एक बार कहा तो कार्यकर्ताओं ने कहा वैसा भी और चार ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर किसी की प्रायोरिटी नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए। यही नहीं तो वहां ट्रांसफर, यहां तो नहीं, वहां नौकरी कर लेगा। प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो हम उसका कैसे इलाज करा सकते हैं, कोई दो टाइम का भोजन का इंतजाम नहीं तो उसका क्या रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं। कोई गांव ऐसा है जहां पर बहुत अभाव है, बहुत संकट है, तो उस संकट को कैसे एमएलए साहब से मिलकर दूर कर सकते हैं। आप निश्चित रहिए, आपके विधायक महोदय भी बहुत सक्रिय हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हैं, सब मिलकर सामूहिक काम करेंगे। मैं भी समय समय पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके बीच में आऊं, आपकी बात को सुनूं, और हमारे सिस्टम को हम और अच्छा करेंगे और बेहतरीन करेंगे। कम्युनिकेशन के अच्छे साधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग करेंगे ताकि हर कार्यकर्ता से, जनता के हर व्यक्ति से हमारी कनेक्टिविटी व्यक्ति से न मिलते हुए भी बेहतरीन हो सके, ताकि हम हमारे काम को तत्काल प्रभाव से कर अच्छे परिणाम ला सकें। इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, आपसे अनुभव मिलते हैं, आपके विचार मिलते हैं, अनुभव के आधार पर और बेहतरीन कार्य योजना बनाने की कोशिश करेंगे। और आप निश्चित मानिए, रामगंज मंडी की जनता ने जो प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, हम उस अपेक्षा से और अधिक काम करेंगे। और हमारी अधिक जिम्मेदारी है कि जो प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है, हम उस अपेक्षा, उस प्यार स्नेह को कायम रख सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली सबके जीवन में उल्लास लेकर आए, और रामगंज मंडी की मैं कहता हूँ कि यहाँ की जनता इतनी मिठास है, हमेशा मुंह में शक्कर है, लेकिन मुंह में शक्कर है, पैर में चक्कर है, सीने में आग रहे और सिर पे ठंडक रहे, ये हमारा फार्मूला होना चाहिए। जैसे मुंह में शक्कर हो ऐसे पैर में शक्कर नहीं रखना, पैर में तो चलते रहो, और सीने में आग रहना चाहिए कि नहीं, मेरे पास कोई आए तो मैं उसका काम करा रहा हूं, और मुंह में मिठास रखो, जब कोई आए तो प्यार से बात करो, और सिर पे थोड़ी ठंडक रखो, कभी गर्मी आए तो भी तसल्ली से बात करो।